आपके शरीर में मौजूद 7 चक्रों में कैसे छिपा है शक्ति का रहस्य, इसका पूरा वैज्ञानिक प्रमाण है। किस चक्र से मिलती है कितनी ऊर्जा, नमस्कार, हमारे खास शो सनातन सत्य में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशीष महर्षि और मेरे साथ जुड़े हैं पायलट और रिसर्चर कैप्टन अरविंद सिंह। इनसे हम सनातन की शक्ति का रहस्य जानने की कोशिश करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जानने की कोशिश की थी कि सनातन क्या है, सनातन कहां से आया, सनातन कितने हजार साल पुराना है, सनातन क्यों है, इसको क्यों मानना चाहिए। लेकिन आज हम सनातन की शक्ति पर चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि आज अरविंद सिंह खुलासा करेंगे 7 चक्रों का। हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, उसमें ऊर्जा कैसे पैदा की जा सकती है। अरविंद जी, शरीर में ऊर्जा, आपने पिछली बार एपिसोड में भी ये कहा था कि ऊर्जा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और हमारे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक 7 चक्र हैं। अगर इसमें स्ट्रेंथ डाल दी जाए, इसमें अगर ताकत डाल दी जाए, उसमें ऊर्जा डाल दी जाए, तो शरीर में फर्क कैसे आएगा? जैसे कि आपने शुरुआत की कि सनातन धर्म हमें जो स्थायित्व और जो ऊर्जा देता है, उसके बारे में हम पहले एक चर्चा करेंगे। सनातन धर्म 4 मूल स्तंभों पे आधारित है, और वो स्तंभ क्या हैं? पहला स्तंभ है आस्था। जो आस्था है वो ईश्वर के प्रति, तो जो सनातन धर्म में ईश्वर की चर्चा की गई है, उसमें 4 मुख्य ईश्वर हैं, देवी हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति। ये एनर्जी डायमेंशंस हैं। इनको हम इस तरह से देखें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि ये प्रकृति की एनर्जी डायमेंशंस है जिनको देवी और देवता का रूप दिया गया। ऐसी एनर्जी जिनको मनुष्य अपने शरीर में इन्वोक कर सकता है, जिनको अपने शरीर के अंदर विद्यमान कर सकता है, उसकी परसेंटेज, उसकी वाइब्रेशन, उसकी कॉस्मिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ये तो अरविंद जी दुनिया जानती है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं जो जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, या जिसको जिस तरीके से भी देखा जाए। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारे शरीर में कैसे ऊर्जा डाल सकते हैं, उनका ऊर्जा से क्या कनेक्शन है, हमारे 7 चक्रों से क्या कनेक्शन है, ये सब आम आदमी को अगर समझना हो तो वो कैसे समझेगा? देखिए, इसमें एक बड़ी स्पष्ट फिलॉसफी कह लीजिए, या इसकी एक हमारी जो सनातन धर्म की सभ्यता कह लीजिए, हम मंत्रों द्वारा कई प्रकार से हम साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। जो मंत्रों की मैं मूल रूप में जो सबसे सहज रूप से एक आम मनुष्य को और समाज को, लोगों को समझ सकते हैं, जिनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो होगी बात मंत्र की। अब जिस देवता का मंत्र आप करते हैं, उसका संबंध हमारे चक्रों से कैसे है, इसको हम जान लें। तो आप मुझे ये बताइए, जो 7 चक्र हैं वो क्या हैं, पहले तो ये बताइए आम आदमी की भाषा में, एक सरल भाषा में, जिसको हर व्यक्ति को ये समझ में आए कि हमारे चक्र कहाँ से शुरू होते, कहाँ खत्म। हमारे शरीर के अंदर मूल रूप से वैसे तो बहुत सारे चक्र हैं और बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, जिनको एनर्जी सेंटर्स कहा जाता है। मुख्य रूप से जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो 7 हैं। शुरुआत होती है मूलाधार चक्र से, जिसको रूट चक्र भी कहते हैं। उसके बाद स्वाधिष्ठान है, स्वाधिष्ठान दूसरा चक्र होता है मूलाधार के बाद, सैक्रल, जिसका सैक्रल एरिया है। उसके बाद है मणिबंध, जो आपका फायर एलिमेंट है, नेवल एरिया है। उसके बाद आता है अनहद, हार्ट चक्र, सोलर प्लक्स, ये एरिया आता है। उसके बाद विशुद्धि, जो थ्रोट का एरिया है वो आता है, गले का एरिया आता है, जिसको स्पेस एलिमेंट कहते हैं। और फिर आज्ञा चक्र, थर्ड आई, और क्राउन चक्र, जिसको सहस्रहार कहते हैं। हर, आप मुझे थोड़ा सा विस्तार में या छोटे रूप में एक बताएं कि हर जो चक्र है उसका महत्व क्या है, और उसमें ऊर्जा कैसे डाली जा सकती है एक आम आदमी की भाषा में। देखिए, हम मूलाधार से शुरू करते हैं। मूलाधार स्टेबिलिटी फैक्टर है। मूलाधार एक ऐसा चक्र है जिससे आपका स्थायित्व पैदा होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो स्टेबिलिटी को बताती है। यहाँ इस चक्र को मजबूत करने के लिए गणपति के मंत्र और लॉर्ड गणपति की स्तुति की जाती है। भगवान गणपति की स्तुति आप करेंगे तो आपके जो रूट चक्र है, जो मूलाधार है, उसमें स्थायित्व और बल प्राप्त होगा। इसीलिए हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, सबसे पहले जब पूजा होती है तो गणपति की पूजा होती है। तो ये मूलाधार चक्र है।
दूसरा चक्र उसमें क्या है? दूसरा चक्र वाटर एलिमेंट है, मूल तरह से वो स्वादिष्ठान को वाटर एलिमेंट कहते हैं। और जो हमारा सनातन बिलीफ सिस्टम है उसमें उसके लॉर्ड जो हैं लॉर्ड कार्तिकेय मुख्य रूप से कहे गए हैं। वैसे सारे देवी देवताओं का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैक्टर सारे चक्रों में मौजूद है। किसी भी देवी देवता का जब आप मंत्र इन्वोकेशन करेंगे, जो चक्र हैं वो कॉस्मोज हैं, वो कॉस्मिक इनर्जी फील्ड्स हैं, और जो मंत्र है वो साउंड है। साउंड वेव कॉस्मिक जो सेंटर्स हैं उसकी एक तरह से एनर्जी कह लो, या एक तरह से आप उनका भोजन कह लो। तो आपने दोनों को इस तरह से, आपने दूसरा जो जो चक्र है उसको किस भगवान से जोड़ा है? लॉर्ड कार्तिकेय। लॉर्ड कार्तिकेय से। तो उसको अगर हम आगे चलें तीसरे चक्र पे, तो उसको पर आप किसको जोड़ते हो और उससे क्या फायदा? वो जो नाभि का एरिया है, जो शक्ति चक्र जिसको आप कहते हैं फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट मूल रूप से सारी शक्ति गॉडेस और देवी के मंत्रों से कनेक्ट होता है। कौन सी देवी? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कई देवियां हैं, उसमें कौन सी देवी की पूजा करने से आपको, अगर आप फायर एलिमेंट को अगर आपको उसमें एनर्जी डालनी है या नाभि के इलाके में एनर्जी डालनी है, जो जो चक्र है तीसरा चक्र है उसमें, तो वो कौन से देवी हैं जिसमें स्ट्रेंथ मिलती है? शक्ति उपासना में देखिए हमारे पास बहुत सारे डायमेंशंस, और इसमें कोई भी शक्ति की जो आप मंत्र की इन्वोकेशन करेंगे, आपकी जो एनर्जी है वो स्वाभाविक तौर से उसमें वृद्धि होगी और चक्र एम्पावर हो जाएगा। इसमें हमें ये आप हमेशा इस चीज़ को इस तरह से ले सकते हैं कि जिसकी जिस ओर आस्था अधिक जा रही है उस देवी के ऊपर वो ध्यान केंद्रित कर और वो मंत्रों का उच्चारण कर सकता है। चौथे चक्र की बात करें तो वो कौन सा चक्र है और उसमें किस भगवान के साथ उसको जोड़ा जाए? देखिए इसको इंग्लिश में सोलर प्लक्स हार्ट चक्र है ये इत्यादि कहते हैं, ये अनहद चक्र कह सकते हैं इसको आप हिंदी में, और इसकी कनेक्टिविटी है ये एक तरह का, यहाँ पे जो ये रेडिएट करता है लव और इमोशंस को। देखिए हर चक्र का कार्य भी है, हर चक्र एक विलक्षण कार्य करता है। तो जिस चक्र की जो ऊर्जा है उसका कार्य, जैसे कि अनहत बात की आपने बात कही, ये चक्र लव एनर्जी कंपैशन और अफेक्शन को इंडिकेट करता है। अगर उस फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है तो इसके जो देवता हैं मूल रूप से लॉर्ड विष्णु और अल्टरनेटिवली लॉर्ड कृष्णा की भक्ति इसको इन्वोक करती है और पावरफुल बनाती है। तो हमने अभी तक देखा कि चार इतने इम्पॉर्टेंट चक्र हैं, जो ये चक्र अगर उनमें एनर्जी डाल दी जाए, अगर ठीक से पूजा की जाए, ठीक से स्तुति की जाए उन भगवानों की जिन्होंने जिनको जिनकी जानकारी अरविंद जी ने दी है, तो आपके चक्र में एनर्जी डाली जा सकती है। पांचवें चक्र की बात करें तो अरविंद जी पांचवा चक्र कौन सा है? पांचवा चक्र विशुद्धि है, इसको स्पेस एलिमेंट की तरह से भी आप देख सकते हैं। और विशुद्धि आता है गले का थ्रोट का एरिया, और इसके अंदर जो हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो है आपकी स्पीच, आप किस तरह के वक्ता हैं, आपकी नेगोशिएशन, आप किस तरह से नेगोशिएट करते हैं, तो ये आम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व जो आपकी वाणी कैसी होगी, आप अच्छे गायक हैं तो आपकी सिंगिंग कैपेबिलिटी कैसे होगी, ये विशुद्धि चक्र से आता है। और इस विशुद्धि चक्र के जो देवता हैं वो त्रिपुर भैरवी मुख्य रूप से, हमारे रिसर्च के हिसाब से लॉर्ड गॉडेस त्रिपुर भैरवी की जब आप मंत्र चांटिंग करते हैं तो इस चक्र को पावर मिलती है। छठे चक्र की अगर बात करें तो वो छठा चक्र कौन सा है और उसमें कौन से भगवान की अगर स्तुति या आराधना की जाए तो उसमें आपको स्ट्रेंथ मिल सकती है? छठा आपका जो चक्र है वो आज्ञा चक्र है, इंडिकेटेड एज अ थर्ड आई एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द पीनियल ग्लैंड। तो इस पर अगर हम चर्चा करें तो ये मुख्य रूप से आज्ञा चक्र को गुरु चक्र भी कहते हैं, और ये लॉर्ड शिवा को मुख्य रूप से कनेक्ट कराता है, और इसीलिए इसे थर्ड आई कहा गया। सो जब भी आप लॉर्ड शिवा या ओंकार मंत्र को की जब आप चांटिंग करेंगे, जाप करेंगे, तो आपको आज्ञा चक्र प्रबल करने में मदद मिलेगी। सातवें चक्र की बात करें, आखिरी चक्र की बात कर रहे हैं अरविंद जी, सातवां चक्र कैसे उसमें ऊर्जा डाली जा सकती है, किस भगवान के साथ जुड़ा हुआ है? सातवां चक्र सहस्रहार है, जैसे कि नाम ही अगर आप इसको देखें, अंग्रेजी में इसको क्राउन चक्र भी कहते हैं। सहस्रहार
ये एक तरह का यूनियन है, एक ऐसा चक्र है यहाँ पे सारे देवी देवताओं का यूनियन है। तो आप जिस भी डेटी या देवता से अलाइंड हैं, आप जितना चांटिंग करते चले जाएंगे उतना ही सहस्रार मजबूत होगा, और मुख्य रूप से ये चक्र भी लॉर्ड विष्णु की स्तुति से ज़्यादा प्रबल होता है। हमने अब तक पूरी तरीके से पता कर लिया है कि सात चक्र कौन से हैं, कौन से भगवान उनसे जुड़े हुए हैं, अगर एनर्जी डालते हैं तो क्या फायदे हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे अरविंद जी से। अरविंद जी, सातों चक्र की आपने बता दिया कि कैसे कैसे पूजा होनी चाहिए, या किन भगवान की पूजा होनी चाहिए, या कैसे आराधना या स्तुति करनी चाहिए, आम आदमी की भाषा में सिर्फ ये बताइए फायदे क्या होंगे मुझे। आपको जब, जैसे कि हमने चर्चा की, हर एक चक्र का एक अमूल रूप से ऊर्जा के लिहाज से बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। तो अगर आप देखते हैं स्टेबिलिटी, हम क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में स्थिरता कहाँ है, मेरी नौकरी में स्टेबिलिटी है कि नहीं, मेरे कार्य में स्टेबिलिटी है कि नहीं, मेरी स्थिरता है कि नहीं, मेरे रिश्तों में स्थिरता है कि नहीं, जहाँ भी स्टेबिलिटी अप्लाई होती है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो कार्य हो, चाहे आपकी वेल्थ हो, चाहे आपका बिजनेस हो, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन पावर है वो मूलाधार चक्र से आती है। तो जब आप उसको प्रबल करेंगे तो ये सारे क्षेत्र आपके प्रबल होंगे, और उनको प्रबल करने का मार्ग है हमारे सनातन धर्म में कि आप ये सारे मंत्रोच्चारण करिए, करवाइए मत, करिए। और अभी तो बहुत सारे इसके तरीके लोग बना रहे हैं, बट इसमें जैसे कि मैंने आपको मूलाधार चक्र बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके जीवन में स्थिरता और स्टेबिलिटी हो, और उसके लिए मूलाधार चक्र का सशक्त होना जरूरी। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हम सारे चक्रों में एनर्जी डाल दें, उसको एक्टिवेट कर दें, तो एक कंप्लीट मैन आप बन सकते हैं, आपके जीवन में स्थिरता आ सकती है, आपके जीवन अच्छा हो सकता है, आपके जीवन के अंदर सनातन जो है वो ऐसी ऊर्जा पैदा कर देगा जिसकी वजह से आपको जीवन में कई क्षेत्रों में फायदे हों। बिल्कुल निश्चित बात है। और इसमें अगर हम दूसरा पहलू भी इसका देखें कि जैसे जो भी कुछ हो रहा है हमारे शरीर में, उसके दो हमने हिस्से देखे हैं। एक हम कॉस्मोस को, कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा हम जो वाइब्रेटरी फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में अगर एक दूसरे के अंदर समन्वय होता है तो जो कॉस्मिक है उसका भोजन वाइब्रेशन। तो जब आप मंत्र पैदा कर मंत्र उच्चारण करते हैं तो आप वाइब्रेशन पैदा करते हैं, और वो तरंगे आपकी कॉस्मोस यानी कि आपकी एनर्जी चैनल्स को प्रबल करती हैं। ये बड़ा सा सिंपल विज्ञान हमारे सनातन धर्म ने जो हमें सिखाया है। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, लेकिन हम अगले एपिसोड में हर चक्र के बारे में बहुत ही माइन्यूटली हर चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, हर चक्र के बारे में जानकारी लेंगे, वो स्तुति करने के तरीके देखेंगे, वो आराधना करने के तरीके देखेंगे, वो पूजा करने के तरीके देखेंगे। अरविंद, कैप्टन अरविंद बताएंगे कि वो कैसे पूजा करें ताकि आप उस चक्र में ऊर्जा पैदा कर सकें। हमारी ये कोशिश है कि आपका जीवन अच्छा हो सनातन के जरिए, और यही वजह है कि हम ये शो सनातन सत्य आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे प्रोग्राम को आप YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत पर लगातार देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।